हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 8th क्लास साइंस एंड सीईआरटी की जो नई बुक है उसके चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर के कीवर्ड्स और क्वेश्चंस एंड आंसर्स दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे स्टूडेंट्स, जिससे आपके लिए इस चैप्टर के कीवर्ड्स को समझना और इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को समझना इजी हो जाएगा। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर, तो फोर्स का क्या मतलब होता है? फोर्स का मतलब होता है ताकत लगाना। जब आप किसी चीज को पुल करते हैं, खींचते हैं, तो आप उस चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं, और जब आप किसी चीज को पुश करते हैं, उस चीज को धकेलते हैं, तब भी आप उस चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं। और फोर्स के अलग अलग टाइप होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि मस्कुलर फोर्स, जब आप अपनी मसल्स का यूज किसी चीज को पुश करने में या पुल करने में करते हैं तो इस फोर्स को मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स होता है, जिसकी वजह से एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को या लोहे की बनी किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जब किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंका जाए तो अर्थ उस चीज को अपनी तरफ खींचती है। अर्थ जो फोर्स किसी चीज के ऊपर लगाती है उस चीज को अपनी तरफ खींचने के लिए, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है और फ्रिक्शनल फोर्स भी होता है, जिनके बारे में हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। अब हम आपको प्रेशर के बारे में समझाएंगे स्टूडेंट्स, और प्रेशर के बारे में समझाने के लिए हम इस आयरन नेल की हेल्प लेंगे। अब इस आयरन नेल को ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, इसमें दो सर्फेस होते हैं। एक सर्फेस इस तरफ होता है जो कि बड़ा सर्फेस होता है, और यही से हम आयरन नेल को हैमर के साथ स्ट्राइक करते हैं और ये जो आयरन नेल होती है ये दीवार में घुस जाती है। अब इसका दूसरा एंड अगर आप देखेंगे तो ये दूसरा सरफेस होता है जो कि कम होता है। यही वो पॉइंट होता है, यही वो जगह होती है जहां से आयरन नेल दीवार में घुसती है। अब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि जब आप किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स कितने यूनिट एरिया ऑफ सरफेस पर काम करता है, इसी को प्रेशर कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आयरन नेल का जो ये वाला पार्ट होता है यहां पर सरफेस ज्यादा होता है, और हम इसी जगह पर आयरन नेल को हैमर से स्ट्राइक करते हैं, यानी हम इसी जगह पर फोर्स लगाते हैं। लेकिन जो फोर्स हम यहां पर लगाते हैं वो काम कहां पर करता है? वो काम करता है इस जगह पर जहां पर आयरन नेल का जो यूनिट एरिया ऑफ सरफेस है वो कम है। और जब हम आयरन नेल को इस जगह पर हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो इस जगह से ये आयरन नेल दीवार में घुस जाती है। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हम आयरन नेल को इस जगह से हैमर से स्ट्राइक करते हैं, यानी कि अब हम इस जगह पर फोर्स लगा रहे हैं, तो अब ये फोर्स काम कहां पर करेगा? इस जगह पर करेगा। और इस जगह का जो यूनिट एरिया ऑफ सरफेस है वो ज्यादा है, तो जब हम आयरन नेल को इस तरफ से हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो क्या ये आयरन नेल दीवार के अंदर घुसेगी? हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम इस जगह से आयरन नेल को हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो इस तरफ से ये आयरन नेल दीवार के अंदर नहीं जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि जब हम आयरन नेल को इस तरफ से हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो ये जो फोर्स यहां पर हम लगाते हैं ये फोर्स इस जगह पे काम करता है जहां पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस कम है। और जब यूनिट एरिया ऑफ सरफेस कम होता है तो प्रेशर ज्यादा होता है, और ज्यादा प्रेशर की वजह से ये आयरन नेल दीवार के अंदर घुस जाती है। लेकिन जब हम आयरन नेल को इस तरफ से हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो अब जो फोर्स हम यहां पर लगा रहे हैं वो फोर्स यहां पर काम कर रहा है जहां पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस ज्यादा है, और जब यूनिट एरिया ऑफ सरफेस ज्यादा होता है तो जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। और कम प्रेशर की वजह से इस केस में जब हम इस तरफ से आयरन नेल को हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो इस तरफ से यह आयरन नेल दीवार के अंदर नहीं जाती है। तो यहां पर हमने ये समझा स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं और अगर वो फोर्स ज्यादा एरिया पर लगता है तो प्रेशर कम होता है, और अगर वो फोर्स कम एरिया पर लगता है तो प्रेशर ज्यादा होता है। अब हम फर्स्ट कीवर्ड देखेंगे। फर्स्ट कीवर्ड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या मतलब होता है? द लेयर ऑफ एयर अबव द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि अर्थ के ऊपर हवा की जो लेयर होती है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि इस हवा के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, यानी इस हवा के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है, इसी प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सेकेंड कीवर्ड है कॉन्टैक्ट फोर्स।
A force which can be exerted by an object on another object only through physical touching is called a contact force. इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि ऐसा फोर्स जो एक चीज के द्वारा दूसरी चीज पर सिर्फ फिजिकल टचिंग के द्वारा ही लगाया जा सकता है, ऐसे फोर्स को हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। यानी ऐसा फोर्स जो तभी लग सकता है जब दो चीजों के बीच में कॉन्टैक्ट हो, तो ऐसे फोर्स को हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। अब हम कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स के दो एग्जाम्पल होते हैं स्टूडेंट्स, एक है मस्कुलर फोर्स और दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि मस्कुलर फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और फ्रिक्शनल फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम इसी वीडियो में आगे आपको समझाएंगे। थर्ड कीवर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स एग्जर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि वो फोर्स जो एक चार्ज बॉडी के द्वारा या तो एक चार्ज बॉडी पर लगाया जाता है या अनचार्ज बॉडी पर लगाया जाता है, ऐसे फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। व्हेन वी रब अ प्लास्टिक कॉम्ब इन अवर ड्राई हेयर फॉर अबाउट अ मिनट द प्लास्टिक कॉम्ब गेट्स इलेक्ट्रिक चार्ज बाय फ्रिक्शन। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब आप एक प्लास्टिक की कोम्ब को यानी कि प्लास्टिक की कंघी को अपने ड्राई हेयर के साथ लगभग एक मिनट तक रब करते हैं यानी कि रगड़ते हैं, घिसते हैं, तो प्लास्टिक की कंघी में इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है फ्रिक्शन के द्वारा। फ्रिक्शन क्या होता है इसके बारे में हम आपको फिफ्थ कीवर्ड में समझाएंगे स्टूडेंट्स। एंड व्हेन दिस इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड प्लास्टिक कोम्ब इज ब्रॉट नियर द स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर इट अट्रैक्ट्स देम। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब हम इस इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लास्टिक कोम्ब को स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर के पास लेकर आते हैं तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लास्टिक कोम्ब इन स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। और जिस फोर्स के द्वारा ये इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लास्टिक कोम्ब स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। फोर्थ कीवर्ड है फोर्स। अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि फोर्स का मतलब होता है किसी चीज को पुश करना या किसी चीज को पुल करना। फिफ्थ कीवर्ड है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द फोर्स विच ऑलवेज अपोजेज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि फ्रिक्शन एक फोर्स होता है जिसकी वजह से एक चीज दूसरी चीज की मोशन को अपोज करने की कोशिश करती है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्रिक्शन एक फोर्स होता है जिसकी वजह से एक चीज दूसरी चीज की मोशन को रोकने की कोशिश करती है। अब हम आपको फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में समझाएंगे स्टूडेंट्स, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये इस चीज का सरफेस है और ये इस दूसरी चीज का सरफेस है। जब दो चीजों के सरफेस एक दूसरे को टच करते हैं तो इन दोनों चीजों के बीच में, क्योंकि ये सरफेस एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इन दोनों चीजों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। और देखिए, अगर ये वाली चीज आगे बढ़ने के लिए कोशिश करती है तो ये वाली चीज इस चीज को पीछे पुश करने की कोशिश करती है। ये वाली चीज आगे की तरफ फोर्स लगा रही है और ये वाली चीज अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है, और इसी फोर्स को हम फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स के विंटर्स में जब आप अपने हाथों को ऐसे रगड़ते हैं तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं, ऐसा फ्रिक्शन की वजह से होता है। देखिए, दोनों हाथों के सरफेस एक दूसरे को टच करते हैं और जब आप इस हाथ को आगे की तरफ करते हैं तो ये वाला हाथ इसे पीछे पुश करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से इन दोनों हाथों के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन काम करता है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो फ्रिक्शन में आपको ये याद रखना स्टूडेंट्स कि फ्रिक्शन में दोनों सरफेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। यानी कि अगर एक चीज आगे जाने की कोशिश करती है तो दूसरी चीज उसे पीछे धकेलने की कोशिश करती है, और फ्रिक्शन के लिए दोनों चीजों के सरफेस का आपस में टच होना जरूरी होता है। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। अब यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू फ्रिक्शन को समझाया गया है। अ बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड स्लोस डाउन एंड देन स्टॉप्स ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड।
इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर एक मूविंग बॉल है जो ग्राउंड के ऊपर मूव कर रही है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और फिर वो बॉल रुक जाती है और ऐसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से होता है और ये फोर्स बॉल और ग्राउंड के बीच में काम कर रहा होता है। अब हम एक बॉल के थ्रू ही इस एग्जाम्पल को समझेंगे स्टूडेंट्स। देखिए ये एक बॉल है और मान लीजिए कि ये बॉल एक ग्राउंड के ऊपर ऐसे मूव कर रही है तो ये जो बॉल का सरफेस है ये ग्राउंड के सरफेस के साथ टच होता है और जब बॉल आगे मूव करने की कोशिश करती है तो जो ग्राउंड है वो ग्राउंड इस बॉल को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करता है और बॉल और ग्राउंड के बीच में जो ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स रखता है यानी कि बॉल आगे जाने की कोशिश करती है और ग्राउंड बॉल को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करता है, इसी फोर्स को फ्रिक्शन कहते हैं और इसी फ्रिक्शन की वजह से बॉल की स्पीड कम हो जाती है और फिर ये बॉल रुक जाती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको फ्रिक्शन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। सिक्स्थ कीवर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि यूनिवर्स की हर चीज चाहे वो चीज छोटी हो या बड़ी हो वो दूसरी चीज पर एक फोर्स लगाती है और उस चीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है और इसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। सेवेंथ कीवर्ड है ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज अर्थ पुल्स देम। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी चीज को ऊपर से छोड़ते हैं या ऊपर से फेंकते हैं तो वो चीज नीचे की तरफ गिरती है, अर्थ की तरफ गिरती है, क्योंकि अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटी। और वो फोर्स जिसके द्वारा अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है इस फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं और सिर्फ ग्रेविटी भी कहते हैं। The force of gravity acts on all objects. इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर तरह की चीज पर काम करता है यानी आप किसी भी तरह की चीज को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो वो चीज नीचे की तरफ ही आएगी। ग्रेविटी इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स यानी कि ग्रेविटी एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स कि किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचने के लिए अर्थ को उस चीज को टच करने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए ग्रेविटी को नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स भी कहते हैं। एट्थ कीवर्ड है मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। द मैग्नेट एक्सर्ट्स अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन स्टील कोबाल्ट एंड निकल। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि मैग्नेट आयरन की बनी हुई चीजों पर, स्टील की बनी हुई चीजों पर, कोबाल्ट और निकल की बनी हुई चीजों पर मैग्नेटिक फोर्स लगाती है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जब आप मैग्नेट को किसी पीस ऑफ आयरन के पास लेकर जाते हैं तो मैग्नेट उस पीस ऑफ आयरन को अपनी तरफ खींचती है, ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है। मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स यानी कि मैग्नेटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स कि किसी चीज को अपनी तरफ खींचने के लिए मैग्नेट को उस चीज को टच करने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स को नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहा जाता है। नाइन्थ कीवर्ड है मस्कुलर फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि बॉडी की मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उस फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। मस्कुलर फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि मस्कुलर फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि किसी चीज को पुल करने के लिए या पुश करने के लिए आपको उस चीज को टच करना पड़ता है, तभी आपकी बॉडी के मसल्स उस चीज पर फोर्स लगा पाती हैं, इसीलिए मस्कुलर फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। टेंथ कीवर्ड है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अ फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग ईच अदर इज कॉल्ड अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब एक चीज दूसरी चीज पर फोर्स लगाती है बिना उस चीज को टच किए तो ऐसे फोर्स को हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। अब हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल्स है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। 11th कीवर्ड है प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर।
यानी कि वो फोर्स जो यूनिट एरिया ऑफ सरफेस पे काम करता है, या फिर इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो फोर्स जो यूनिट एरिया ऑफ सरफेस पे लगता है, उस फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको आयरन नील की हेल्प से प्रेशर के बारे में समझाया था। स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर आपको आयरन नील की हेल्प से प्रेशर के बारे में समझाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स कि ये एक आयरन नील है। इसमें एक सरफेस तो इस तरफ होता है जो कि बड़ा सरफेस होता है, और एक सरफेस इस तरफ होता है जो कि छोटा सरफेस होता है। और जब आप इस आयरन नील को दीवार में लगाने के लिए इस साइड से हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो यहां पर एक फोर्स लगता है, लेकिन वो फोर्स काम कहां करता है? वो काम इस तरफ करता है, यानी कि जब आप हैमर से इसको यहां से आयरन नील को स्ट्राइक करते हैं तो वो फोर्स इस साइड काम करता है जहां पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस कम होता है, यानी कि प्रेशर यहां पर लगता है और ये जो आयरन नील होती है ये दीवार के अंदर ऐसे घुस जाती है। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स कि आप इस तरफ आयरन नील को हैमर से स्ट्राइक करते हैं, तो क्या अब ये आयरन नील इस साइड से दीवार के अंदर जाएगी? नहीं जाएगी। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स कि जब आप इस साइड से आयरन नील को हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो फोर्स तो आप पहले जितना ही लगा रहे हैं, लेकिन वो उसका जो प्रेशर है वो इस साइड लग रहा है, और अब इस तरफ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस बढ़ गया है। तो यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इस तरफ बढ़ने से जो प्रेशर होता है वो कम लगता है, जिसकी वजह से आयरन नील दीवार के अंदर नहीं जाती है। और जब आप आयरन नील को इस तरह से पकड़ते हैं और यहां से हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो यहां से जो फोर्स लगता है वो इस जगह पर काम करता है, और अब इस तरफ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस कम है जिसकी वजह से अब यहां प्रेशर ज्यादा लगता है और आयरन नील दीवार के अंदर चली जाती है। तो यहां पर हमने ये समझा स्टूडेंट्स कि अगर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस कम होता है तो प्रेशर ज्यादा लगता है, और अगर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस ज्यादा होता है तो प्रेशर कम लगता है। प्रेशर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि जितना फोर्स आपने लगाया अगर आप उस फोर्स को डिवाइड कर देंगे उतने एरिया से जितने एरिया पर वो फोर्स काम कर रहा है तो आपको प्रेशर मिल जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर विच इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि प्रेशर की एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और प्रेशर की एसआई यूनिट को हम पास्कल भी कहते हैं। 12th कीवर्ड है पुल। पुल इज एन एक्शन ऑफ अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ बॉडी अ डिस्टेंस अपार्ट टू ब्रिंग इट नियर बाय। पुल का मतलब होता है स्टूडेंट्स खींचना या किसी चीज को अपने पास लाना। जब कोई चीज आपसे दूर होती है और आप उस चीज को अपने पास लाने के लिए उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, उस चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो इसे पुल करना कहते हैं, यानी कि इसे खींचना कहते हैं। 13th कीवर्ड है पुश। पुश इज एन एक्शन ऑफ अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ बॉडी टू कीप इट अवे फ्रॉम इट्स पोजिशन। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब आप किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं और उस चीज को उसकी पुरानी पोजिशन से हटा देते हैं तो इसे पुश करना कहते हैं। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि आपको दो ऐसे एग्जांपल्स बताने हैं जिससे आप किसी चीज को पुश करके या पुल करके उस चीज के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाते हैं। अब सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। स्टेट ऑफ मोशन अलग अलग टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उस चीज का स्टेट ऑफ मोशन कैसा होगा? वो चीज रेस्ट पर होगी। जब कोई चीज रुकी हुई होती है तो हम कहते हैं कि वो चीज रेस्ट पर है, और अगर कोई चीज चल रही है तो उसका स्टेट ऑफ मोशन कैसा होगा? उसका स्टेट ऑफ मोशन मूविंग होगा, यानी कि उस चीज में एक मूवमेंट होगी। और हमें दो ऐसे एग्जांपल्स बताने हैं जिसमें आप पुश करके या पुल करके किसी चीज के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाते हैं। जैसे कि आप पुश करके या पुल करके किसी रुकी हुई चीज को चला देते हैं, या फिर पुश या पुल करके किसी चलती हुई चीज की स्पीड ज्यादा कर देते हैं या कम कर देते हैं, या फिर पुश या पुल करके आप किसी चलती हुई चीज को रोक देते हैं। पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स एग्जांपल्स ऑफ पुश। तो पहला एग्जांपल है पुश का, वे पुश अ डोर टू ओपन इट। जब हम किसी डोर को पुश करते हैं तो वो डोर ओपन हो जाता है, और पुश करने से डोर के स्टेट ऑफ मोशन में भी चेंज आता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक डोर रुकी हुई पोजिशन में है और आप उसे पुश करते हैं तो उसमें एक मूवमेंट होती है और वो डोर ओपन हो जाता है। पुश का सेकेंड एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, अ फुटबॉल प्लेयर किक्स द बॉल एंड पुशेज इट। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि एक फुटबॉल प्लेयर बॉल को किक करता है और पुश कर देता है।
और बॉल को किक करने से उस रुकी हुई बॉल में एक मूवमेंट आ जाती है, यानी उस बॉल के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ जाता है। अब हम पुल के एग्जांपल्स देखेंगे। तो पुल का पहला एग्जांपल है वी पुल अ ड्रॉअर टू ओपन इट। जब आप किसी ड्रॉअर को पुल करते हैं, यानी जब आप किसी ड्रॉअर को खींचते हैं, तो वो ड्रॉअर ओपन हो जाता है। और पुल का सेकेंड एग्जाम्पल है अ हॉर्स पुल अ कार्ट। इसका यह मतलब स्टूडेंट्स कि जब एक घोड़ा कार्ट को खींचता है, कार्ट का मतलब होता है ठेला, तांगा या बग्घी, तो जब एक हॉर्स यानी कि एक घोड़ा कार्ट को खींचता है तो कार्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ जाता है और वो कार्ट मूव करने लगती है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि पुल का मतलब होता है खींचना और पुश का मतलब होता है धकेलना। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशंस इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि हमें दो ऐसे एग्जांपल्स बताने हैं जिनमें किसी चीज पर फोर्स लगाने से उस चीज की शेप में चेंज आ जाता है। फोर्स लगाने का मतलब होता है स्टूडेंट्स बल लगाना, ताकत लगाना। तो फर्स्ट एग्जांपल है व्हेन वी प्रेस द क्ले इट्स शेप इज चेंज्ड। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब आप क्ले को प्रेस करते हैं, यानी कि जब आप क्ले पर फोर्स लगाते हैं, तो क्ले की शेप चेंज हो जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल है व्हेन वी स्ट्रेच द रबर बैंड इट्स शेप इज चेंज्ड। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, यानी कि जब आप रबर बैंड को खींचते हैं, तो रबर बैंड की शेप चेंज हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस दिए गए स्टूडेंट्स और हमें उन ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। ए पार्ट में हमसे कहा गया है टू ड्रॉ वॉटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट द रोप। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि कुएं से पानी निकालने के लिए आपको रस्सी को क्या करना पड़ता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कुएं से पानी निकालने के लिए आपको रस्सी को पुल करना होता है, यानी कि रस्सी को खींचना होता है। तो यहां पर सही आंसर है पुल, तो यहां पर आप लिखेंगे पुल। बी पार्ट में हमसे कहा गया है अ चार्ज्ड बॉडी डैश एन अनचार्ज्ड बॉडी टुवर्ड्स इट। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि एक चार्ज्ड बॉडी एक अनचार्ज्ड बॉडी को क्या करती है। इस चैप्टर की कीवर्ड्स वाली वीडियो में हमने आपको यह समझाया था स्टूडेंट्स कि एक चार्ज्ड बॉडी एक अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट करती है, यानी अपनी तरफ खींचती है। तो यहां पर सही आंसर है अट्रैक्ट्स, तो यहां पर आप लिखेंगे अट्रैक्ट्स, यानी कि एक चार्ज्ड बॉडी एक अनचार्ज्ड बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सी पार्ट में हमसे कहा गया है टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि एक लोडेड ट्रॉली को मूव कराने के लिए, यानी कि एक भरी हुई ट्रॉली को मूव कराने के लिए हमें क्या करना होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि एक लोडेड ट्रॉली को मूव कराने के लिए, यानी कि एक भरी हुई ट्रॉली को मूव कराने के लिए, या तो आप उस ट्रॉली को पुल करेंगे या फिर पुश करेंगे, क्योंकि पुल करने से भी वो ट्रॉली मूव होगी और पुश करने से भी वो ट्रॉली मूव होगी। तो यहां पर सही आंसर है पुल और पुश, तो यहां पर आप लिखेंगे पुल और पुश। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि पुल का मतलब होता है खींचना और पुश का मतलब होता है धकेलना। डी पार्ट में हमसे कहा गया है द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल के साथ क्या करता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, यानी कि उससे दूर भागता है। तो यहां पर सही आंसर है रिपेल्स, तो यहां पर आप लिखेंगे रिपेल्स। यहां पर यह भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, लेकिन एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, और ऐसे ही एक मैग्नेट का साउथ पोल भी दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को रिपेल करता है। तो अगर आपको दो मैग्नेट्स को आपस में जोड़ना है तो आपको एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल से जोड़ना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एन आर्चर स्ट्रेचेज हर बो वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट। आर्चर का मतलब होता है स्टूडेंट्स धनुर्धर, यानी कि तीर चलाने वाला। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि तीर चलाने के लिए धनुष को खींचना पड़ता है। तो यहां पर हमसे कहा गया है कि एक आर्चर है जो अपने बो को स्ट्रेच करती है, यानी कि धनुष को खींचती है टारगेट को सेट करते समय। शी देन रिलीजेस द एरो व्हिच बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द टारगेट। और फिर ये आर्चर एरो को रिलीज कर देती है और ये एरो टारगेट की तरफ मूव करता है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिल अप द गैप्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स। अब यहां पर हमें कुछ टर्म्स दिए गए स्टूडेंट्स और हमें इन टर्म्स का यूज करके ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। और ये टर्म्स है
मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप, एट्रैक्शन। ए पार्ट में हमसे कहा गया है टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स डैश। इसका ये मतलब स्टूडेंट्स कि जब आर्चर बो को स्ट्रेच करता है यानी कि धनुष को स्ट्रेच करता है, खींचता है, तो बो में यानी कि धनुष में किस तरह का चेंज आता है। तो यहां पर आंसर है स्टूडेंट्स शेप, क्योंकि जब आर्चर बो को स्ट्रेच करता है तो बो की शेप में चेंज आता है। तो यहां पर आप लिखेंगे शेप। बी पार्ट में हमसे कहा गया है द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स। इसका ये मतलब स्टूडेंट्स कि बो को स्ट्रेच करने के लिए यानी कि बो को खींचने के लिए आर्चर जो फोर्स लगाता है वो कौन सा फोर्स होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि बो को स्ट्रेच करने के लिए आर्चर जो फोर्स लगाता है वो आर्चर की बॉडी के मसल्स का फोर्स होता है। तो यहां पर सही आंसर है मस्कुलर, तो यहां पर आप लिखेंगे मस्कुलर। सी पार्ट में हमसे कहा गया है द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश फोर्स। इसका यह मतलब स्टूडेंट्स कि वो फोर्स जिसकी वजह से एरो के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आता है वो फोर्स कौन सा फोर्स होता है, यानी कि वो कौन सा फोर्स होता है जिसकी वजह से एरो आगे की तरफ मूव करता है। अभी हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि तीर चलाने के लिए बो को स्ट्रेच करना पड़ता है और बो को स्ट्रेच करने के लिए मस्कुलर फोर्स लगता है और मस्कुलर फोर्स को हम कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं। तो यहां पर आंसर है कॉन्टैक्ट, तो यहां पर आप लिखेंगे कॉन्टैक्ट। डी पार्ट में हमसे कहा गया है व्हाइल द एरो मूव्स टुवर्ड्स इट्स टारगेट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू डैश एंड दैट ड्यू टू डैश ऑफ एयर। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब एरो अपने टारगेट की तरफ मूव करता है तो उस एरो पर कौन से दो फोर्स लगते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब एरो अपने टारगेट की तरफ मूव करता है तो उस एरो पर एक तो ग्रेविटी का फोर्स लगता है यानी कि अर्थ उस एरो को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है और उस एरो पर फ्रिक्शन ऑफ एयर भी लगता है यानी कि जब हवा में एरो आगे की तरफ जाने की कोशिश करता है तो हवा उस एरो को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करती है। तो यहां पर सही आंसर है ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन, तो यहां पर आप लिखेंगे ग्रेविटी और यहां पर आप लिखेंगे फ्रिक्शन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स। स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन में हमें चार सिचुएशंस दी गई हैं और हमें यह बताना है कि इन सिचुएशंस में फोर्स कौन लगा रहा है और ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है और हमें यह भी बताना है कि फोर्स का इफेक्ट क्या हो रहा है। ए पार्ट में हमसे कहा गया है स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। स्क्वीजिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स निचोड़ना। जब आप नींबू को निचोड़ते हैं अपनी उंगलियों से दबाते हैं उसका जूस निकालने के लिए, तो हमें यह बताना है कि इस सिचुएशन में फोर्स कौन लगाता है, फोर्स किस पर लगता है और उस फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। पहले हम इन चारों सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद हम वन बाय वन इन चारों सिचुएशंस के आंसर्स आपको बताएंगे। बी पार्ट में हमसे कहा गया है टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब आप टूथपेस्ट ट्यूब में से पेस्ट निकालते हैं तो फोर्स कौन लगाता है, फोर्स किस पर लगता है और इसका इफेक्ट क्या होता है। सी पार्ट में हमसे कहा गया है अ रॉड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग व्हाइल इट्स अदर एंड इज ऑन अ हुक फिक्स्ड टू अ वॉल। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब आप एक स्प्रिंग के साथ रॉड सस्पेंड करते हैं यानी जब आप एक स्प्रिंग के साथ वेट लटका देते हैं तो फोर्स कौन लगाता है, फोर्स किस पर लगता है और उस फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। डी पार्ट में हमसे कहा गया है एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब एथलीट जंप करता है बार को क्लियर करने के लिए। बार का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जब एथलीट रन करता है तो उसके रास्ते में उसके ट्रैक पर बार होता है यानी कि रुकावट होती है और इस बार को क्रॉस करने के लिए एथलीट को जंप लगानी पड़ती है और हमें यह बताना है कि जब एथलीट जंप करता है तो फोर्स कौन लगाता है, फोर्स किस पर लगता है और इस फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। अब हम इनके आंसर्स को देखेंगे। ए पार्ट में फोर्स लगाने वाला एजेंट है फिंगर्स और ऑब्जेक्ट जिस पर इस फोर्स का असर होता है वो ऑब्जेक्ट है लेमन और इस फोर्स का इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, लेमन जूस इज एक्सट्रैक्टेड आउट।
यानी कि लेमन जूस बाहर आ जाता है। बी पार्ट में फोर्स लगाने वाला एजेंट है फिंगर्स, और जिस ऑब्जेक्ट पर यह फोर्स लगता है वो ऑब्जेक्ट है टूथपेस्ट ट्यूब, और इस फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, टूथपेस्ट कम्स आउट ऑफ द ट्यूब, यानी कि टूथपेस्ट ट्यूब से बाहर आ जाती है। सी पार्ट में फोर्स लगाने वाला एजेंट है लोड यानी कि वेट, और जिस ऑब्जेक्ट पर यह फोर्स लग रहा है वो ऑब्जेक्ट है स्प्रिंग, और इस फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, चेंज इन शेप ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग की शेप में चेंज आ जाता है। डी पार्ट में फोर्स लगाने वाला एजेंट है एथलीट, और ये फोर्स जिस ऑब्जेक्ट पर लगता है वो है एथलीट्स बॉडी, और इस फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, एथलीट जंप्स ओवर द बार, यानी कि एथलीट बार के ऊपर से कूद जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, अ ब्लैकस्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन व्हाइल मेकिंग अ टूल। इसका यह मतलब स्टूडेंट्स कि एक ब्लैकस्मिथ यानी कि लोहार हैमर से एक हॉट पीस ऑफ आयरन को स्ट्राइक करता है यानी कि पीटता है। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन, और हमें यह बताना है स्टूडेंट्स कि हैमरिंग से यानी कि पीटने से स्ट्राइक करने से जो फोर्स लगता है उस फोर्स का पीस ऑफ आयरन पर क्या इफेक्ट होता है। तो इसका आंसर है, व्हेन अ ब्लैकस्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन ही यूजेस हिज मस्कुलर फोर्स। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब एक ब्लैकस्मिथ यानी कि लोहार एक हॉट पीस ऑफ आयरन को हैमर करता है यानी कि उसे स्ट्राइक करता है पीटता है, तो ब्लैकस्मिथ अपने मस्कुलर फोर्स को यूज करता है। दिस मस्कुलर फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ द पीस ऑफ आयरन। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि यह मस्कुलर फोर्स पीस ऑफ आयरन की शेप को चेंज कर देता है। सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, एन इन्फ्लेटेड बैलून वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि पहले तो आपने एक इन्फ्लेटेड बैलून को यानी कि फूले हुए गुब्बारे को सिंथेटिक क्लॉथ के साथ रब किया यानी कि रगड़ा, और उसके बाद उस बैलून को एक वॉल के साथ प्रेस कर दिया यानी कि एक वॉल के साथ लगा दिया। इट वॉज फाउंड दैट द बैलून स्टिक्स टू द वॉल, यानी वो जो बैलून था वो वॉल के साथ दीवार के साथ चिपक गया। वट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड द वॉल। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि हमें यह बताना है कि वो कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से बैलून और वॉल के बीच में अट्रैक्शन हुआ, यानी कि वो कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से बैलून वॉल से चिपक गया। इस चैप्टर की कीवर्ड्स वाली वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया था स्टूडेंट्स, कि जब किसी चीज में चार्ज आ जाता है तो वो चीज किसी चार्ज्ड बॉडी को या किसी अनचार्ज्ड बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो ये बैलून वॉल के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही चिपकता है। When we rub the balloon with a piece of synthetic cloth, it gets charged. इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब हम बैलून को सिंथेटिक क्लॉथ के साथ रब करते हैं यानी कि रगड़ते हैं तो वो बैलून चार्ज हो जाता है यानी कि उस बैलून में इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। A charged body attracts an uncharged body. इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि एक चार्ज्ड बॉडी एक अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट करती है, और इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं जिसकी वजह से एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट करती है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर यही लिखा गया है, व्हेन दिस चार्ज्ड बैलून इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल इट स्टिक्स टू द वॉल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब एक चार्ज्ड बैलून को वॉल के साथ प्रेस किया जाता है यानी कि वॉल के साथ लगाया जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से यह चार्ज्ड बैलून वॉल के साथ चिपक जाता है। एट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वॉटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि आपने पानी से भरी एक बाल्टी को अपने हाथ से पकड़ा हुआ है और वो बाल्टी ग्राउंड से ऊपर है यानी कि वो बाल्टी आपके हाथ में लटकी हुई है, और हमें यह बताना है कि उस बाल्टी पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। डिस्कस व्हाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि उस बकेट पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस की वजह से उस बकेट के स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज क्यों नहीं आता है, यानी कि बकेट पर फोर्सेस लगने के बाद भी वो बकेट ना तो ऊपर की तरफ जाती है ना नीचे की तरफ आती है, ऐसा क्यों होता है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, फोर्सेज एक्टिंग ऑन बकेट आर एज फॉलोज, यानी अब हम ये देखेंगे कि उस बकेट पर कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं।
याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब बाल्टी को आप अपने हाथ से लटकाते हैं तो उस बाल्टी पर उस बकेट पर दो तरह के फोर्सेस काम करते हैं, एक तो होता है आपका मस्कुलर फोर्स और एक होता है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। और मस्कुलर फोर्स बकेट को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स बकेट को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है। और ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, इसकी वजह से जो नेट फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है और बकेट ना तो ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स इस आंसर में यही लिखा हुआ है, मस्कुलर फोर्स ऑफ आर्म्स एक्टिंग अपवर्ड, यानी कि मस्कुलर फोर्स बकेट को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स बकेट को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है। दीज टू फोर्सेज डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज बोथ फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड एज अ रिजल्ट नेट फोर्स इज जीरो। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि दोनों फोर्सेज इक्वल होते हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स जीरो हो जाता है और बकेट की स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आता, यानी कि बकेट ना तो ऊपर की तरफ जाती है ना नीचे की तरफ जाती है। नाइन्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, अ रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड्स टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक रॉकेट को ऊपर की तरफ छोड़ा जाता है। नेम द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब रॉकेट लॉन्चिंग पैड से ऊपर की तरफ जाता है तो रॉकेट पर कौन से दो फोर्सेस काम करते हैं, हमें उन दो फोर्सेस के नाम बताने हैं। टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड आर। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो रॉकेट पर कौन से दो फोर्सेज लगते हैं। तो रॉकेट पर जो पहला फोर्स लगता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ रॉकेट को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करती है। और रॉकेट पर दूसरा फोर्स लगता है फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर। और जब रॉकेट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और रॉकेट को रोकने की कोशिश करता है। टेंथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर विद इट्स नोजल कैप्ड इन वॉटर एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। हम इस क्वेश्चन को डायग्राम की मदद से आपको समझाएंगे स्टूडेंट्स, लेकिन पहले हम इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब ड्रॉपर का नोजल पानी में होता है और आप ड्रॉपर के बल्ब को प्रेस करते हैं यानी कि दबाते हैं तो ड्रॉपर में जो हवा होती है वो हवा बबल्स के रूप में बाहर निकल जाती है। वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब वॉटर गेट्स फिल्ड इन द ड्रॉपर। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब हम बल्ब से प्रेशर हटा देते हैं तो ड्रॉपर में पानी भर जाता है। द राइज ऑफ वॉटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू, यानी कि हमें यह बताना है कि ड्रॉपर में जो पानी भर जाता है वो किसकी वजह से भरता है। और यहां पर हमें इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है कि ड्रॉपर में जो पानी भरता है क्या वो प्रेशर ऑफ वॉटर की वजह से भरता है, या फिर ग्रेविटी ऑफ द अर्थ की वजह से भरता है, या फिर शेप ऑफ रबर बल्ब की वजह से भरता है, या फिर एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से भरता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से ड्रॉपर में पानी भरता है। अब हम डायग्राम की मदद से इस क्वेश्चन को समझेंगे स्टूडेंट्स। अब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि ये एक ड्रॉपर है और इस ड्रॉपर में यहां पर ये रबर बल्ब है और ये ग्लास ट्यूब है और यहां पर ये नोजल होता है जो पानी के अंदर है। यहां पर एक छोटा सा छेद होता है स्टूडेंट्स, और जब आप रबर बल्ब को दबाते हैं प्रेस करते हैं तो रबर बल्ब के दबाने से क्या होता है कि जब आप रबर बल्ब को दबाते हैं तो रबर बल्ब और इस ग्लास ट्यूब में जितनी भी हवा होती है वो बबल्स के रूप में बाहर निकल जाती है, यानी कि रबर बल्ब को दबाने से इस ड्रॉपर में एयर प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि हवा ड्रॉपर से बाहर निकल जाती है और उसके बाद पानी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से पानी ड्रॉपर के अंदर चला जाता है। आई होप स्टूडेंट्स अब आपको यह क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।